हेलो क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोग ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर नंबर 3 बुक है हिस्ट्री की और चैप्टर का नाम है इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस। अब पहला हमने क्या देखा, पंजाब के बारे में पढ़ा समझा क्या हुआ था पंजाब में, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, इंदिरा गांधी की डेथ, डेथ क्या किलिंग भी इसी में आती है टॉपिक में। फिर हम नॉर्थ ईस्ट में गए, वहाँ पे हमने सब समझा, नागालैंड को, मिजोरम को, आसाम को, अरुणाचल प्रदेश को। उसके टॉपिक आ गया था नक्सलाइट मूवमेंट। अभी नक्सलाइट मूवमेंट लाल सलाम चालू हो गया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का, और वायलेंस और हत्याओं का एक नया दौर कई सालों चला। अभी भी आंध्र प्रदेश और उड़ी के कुछ पार्ट में नक्सली हैं, लेकिन अगर हम पहले का कंपेयर करें तो काफी हद तक ये चीज कंट्रोल हो चुकी है। एक टाइम था ये वेस्ट बंगाल से शुरू होकर लगभग पूरे के पूरे 8-10 स्टेट में फैल गया, जैसे गोदावरी आंध्र प्रदेश, आंध्र इसका ही विशाखापट्टनम, करीमनगर तेलंगाना में, आदिलाबाद, बस्तर, राजानंदगांव, सुकमा छत्तीसगढ़ में, ये सारे प्लेस छत्तीसगढ़ के हैं, गढ़चिरौली, भंडरा एंड पार्ट्स ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, बालाघाट एंड मांडला इन मध्य प्रदेश, कोरापुट उड़ीसा। इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस द नक्सलाइट एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी भी कुछ हैं जो लड़ाई कर रहे हैं अपने ही देश में, अपने देश के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। नक्सलाइज का टॉपिक खत्म होता है और अगला टॉपिक है कम्युनलिज्म। अभी कम्युनिटी से बना है कम्युनलिज्म। अब ये क्या है, ये एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव वर्ड है जो एक तरह की हमारे लिए बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। इट्स अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। कम्युनलिज्म का मतलब है कि कम्युनिटी कम्युनिटी आपस में अपनी अपनी सुप्रीमेसी की वजह से, नहीं यार मेरा धर्म ऊंचा है, मेरी जात ऊंची है, और लड़ जाते हैं आपस में एक दूसरे से, और बस एक पागलपन चलता है, एक अंधापन चलता है, दौड़ चलती है, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, एक्सेप्ट करो, और लड़ने लगते हैं लोग अपनी धर्म और जात के नाम पे। तो इसको हम कहेंगे कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म इट्स नॉट अ गुड वर्ड, इट्स अ बैड वर्ड, विच मीन्स इट इज अ नेगेटिव, हैविंग अ नेगेटिव मीनिंग। अब क्या होगा इसमें, कम्युनिज्म इमर्ज आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड। अरे मेरा प्राइड, मेरा गौरव, मेरा अभिमान, मेरा रिलीजन, मर जाऊंगा, सन्यास करा लूंगा अपने पूरे खानदान का, अपने देश का, अपने परिवार का, अपने पूरे समाज का, देश बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मेरा धर्म। जहाँ फालतू की सब जिहाद बिहाद की बातें होती रहती हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, अरे तुम नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज खाते हो, कोई वेज खाता है वेज दो, क्या दिक्कत है, एक दूसरे को हेल्प करो, रेस्पेक्ट करो, तो अपना जियो अपना जिए। अगर म्यूजिक बजा के तुम्हें मैं डिस्टर्ब करता हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए, अगर तुम म्यूजिक मुझे डिस्टर्ब करते हो तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। इतना म्यूजिक बजाओ दोनों तरफ से कि ना तो तुम्हें डिस्टर्ब हो ना हमें डिस्टर्ब हो। तो अगर हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे का रिलीजन रेस्पेक्ट करें, तो हमारे बीच में जो लोग नफरत के बीच होते हैं उनको जगह नहीं मिलेगी। अब ये बोया किसने, बोया था, स्टार्ट किया इस चीज को, सबसे ज्यादा यूज अगर किया, मिस यूज अगर किया गया तो अपने हिसाब से उनके लिए फायदा था, बट इसके हिसाब से लेकिन उन्होंने इसका अपने फायदे के लिए बहुत यूज किया। इस तरह की उन्होंने कम्युनिज्म के सीड्स वो दिए हमारे दिमाग में कि तुम सब अलग अलग हो, तुम एक नहीं हो, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारी जात अलग है, तुम बहादुर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, सब स्टीरियोटाइप घुसेड़ दिया हमारे दिमाग में। ऑलरेडी था कीड़ा, कीड़े में जैसे कुछ कहीं पर थोड़ी सी आग लग और घी डाल दिया। People of different religions have happily lived together since many centuries. कई सदियों तक हम साथ में रहे, सब आराम थी, कुछ दिक्कत नहीं। There's nothing wrong in the peoples of different religions living together in a country while being duly proud of their own religion. कोई ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है यार, कई तरह धर्मों के लोग एक साथ रह सकते हैं देश में और अपने अपने धर्म पे प्राइड करो, प्राउड करो, लेकिन देश पहले है, कंट्री पहले है, ठीक है। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, कुछ लोग हैं वो अपने प्राइड लेके जिएंगे, अपना प्राइड चिपका के चलते हैं,
माथे पे लिखवा लेते हैं, भैया मैं बड़ी ऊंची जात का, बड़े ऊंचे धर्म का हूँ, मैं देश के खिलाफ लड़ूंगा, मैं तो जिहाद करूंगा, मैं तो बनूंगा आतंकवादी। क्या जरूरत है सब सोचने की, इस तरह के करने की? प्यार मोहब्बत से रहो। जब चीजें क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं, क्यों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं? इसी उसी पैसे का यूज होगा, रोड बनेगी, डेवलपमेंट होगा, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल बनेगा। क्या लगा रखा है रोज फायरिंग, रोज एक दूसरे को मारना? बंद करो ये सब। अगला देखते हैं, बट वेन दिस प्राइड बिकम्स एक्सेसिव देन इट टर्न्स इनटू बिगोट्री, ईच वन देन बिगन्स टू कंसीडर देयर रिलीजन सुपीरियर एंड अदर्स इनफीरियर, एंड दिस लीड टू रिलीजियस फैंटासिज्म। अब ये क्या है फैंटासिज्म, बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे दो नए वर्डिंग्स आए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। बिगोट्री का मतलब है कट्टरवाद, मतलब एक कट्टर, मतलब एक कंजर्वेटिव थिंकिंग, भैया बस मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और मैं किसी की नहीं सुनने जा रहा। तो बिगट्री का मतलब है कट्टरता, कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम या कट्टर क्रिश्चियन, मतलब जो अपने धर्म के अलावा अपनी जो उसको मौलवी साहब ने, जो पुजारी जी ने बताया, उसके अलावा कुछ सुनेगा ही नहीं, कोई कानून, कोई संविधान, कोई देश, सब बेकार हो गया, वो कट्टर हो गया। माने जो उसने समझ लिया उल्टा सीधा, जो भी गलत, सही से गलत जो भी समझा, वो अपने उस पर अटिक हो गया। मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं, मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूंगा, संविधान के भाड़ में, कानून के भाड़ में। तो फिर हो गया वो बिगट्री, यानी डरता, यानी कोई आदमी अपने आप को खुद ही बर्बाद करने पे तुला है और दूसरों को भी बर्बाद करेगा, वो तो कट्टरता है। अब एक दूसरा वर्ड आता है फैनाटिज्म। फैनाटिज्म का मतलब है एक पागलपन, वही जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, बस भीड़ चाल चली जा रही है, सब लोग उधर जा रहे हैं, वो भी उसी में हो लिए, हम भी जा रहे हैं, माने आंखें खुली हैं लेकिन आंखें बंद हैं, एक भीड़ चाल चल रही है, वो भैया ये कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे, वो पढ़ने जाएंगे तो हम भी बाहर पढ़ने जाएंगे, वो एमबीबीएस करेगा उनका लड़का शर्मा जी का, तो वर्मा जी का लड़का भी एमबीबीएस करेगा, और अगर वर्मा जी का लड़का इंजीनियर बनेगा तो दूसरे जो बिरादरी के लोग हैं वो भी कॉपी करेंगे। तो कॉपी कैट एक तरह से, मतलब फैनेटिज्म माने एक अंधी दौड़, सब लगे पड़े हैं एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, है ना? कहीं कहीं फॉलो भी कर देना, क्या ट्विटर पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो एक पागलपन चला जा रहा है, सब भीड़ में बह जा रहे हैं, भीड़ में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। तो फैनाटिज्म इज द बेस ऑफ कम्युनिज्म। अब फैनाटिज्म ही बेस है कम्युनिज्म पर, कि जब हम सब कुछ आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, है ना, बस जो हमारे उसने कहा वही हम मानेंगे, जिसके ऊपर हमारी आ सकती है। इट मेक्स इन वन ओबेलियस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, दे बिकम सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे पर शक करेंगे, एंड कम पेट्रियॉट्स फॉलोइंग डिफरेंट रीजन्स आर लुक्ड एज एनिमी। अब उनको एनिमी देखा जाए दूसरे रीजन को जो फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से चलेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो उनके कम पैट्रियट्स हैं, कंपैट्रियट्स माने जो मतलब उनके हम वतन हैं, उनके साथ हैं, वो भी देशभक्त हैं, लेकिन उनका अलग रिलीजन है तो उनको धर्म, वो हमारे दुश्मन हो गए, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इट्स मेक्स वन अब्लियस ऑफ नेशनलिस्ट ट्रस्ट, और उनको नेशन की नहीं पड़ी है, यानी बेखबर है, अब्लियस मीन्स बेखबर है अपने देश के इंटरेस्ट से, उनको बस अपनी पड़ी है, अपना धर्म, अपनी अपना जो भी बिलीव है, भाई वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इवन कमेंस कॉमन सैलिटी और कमिंग टूगेदर ऑन फेस्टिवल बिकम्स रेयर। कॉमन सैलिटी माने एक जैसा शेयर करना, कुछ कॉमन चीजें होती है हमारे बीच में, एक साथ आना फेस्टिवल मनाना, वो रेयर हो जाता है जब ये कम्युनिज्म शुरुआत होती है इसकी। तो पहले कैसे होगा, पहले होगा अपनी अपनी प्राइड होना, प्राइड हुआ तब से फिर क्या होगा, प्राइड से आएगा कि सुप्रीमेसी आएगी, इन्फेरिटी आएगी, और फिर फेनेटिज्म आएगा, फेनेटिज्म आएगा, नेशनलिस्ट इंटरेस्ट गया भाड़ में, ओब्लियस हो गया, उसी को मतलब नहीं, और फिर दूसरे धर्म के लोग जो मतलब हमसे दूसरे धर्म के हैं या उनकी तरफ से हम दूसरे धर्म के हैं, वो क्रिएट हो गए, माने ये हमारे हम वतन तो हैं लेकिन भाई उनका धर्म अलग है इसलिए हमारे दुश्मन हो गए, लड़ाई शुरू हो गई, और एक दूसरे से कॉमन सेलिब्रिटी नहीं होगी, एक दूसरे के त्यौहार में नहीं जाएंगे, ये सब बहुत रेयर हो जाएगा। तो ये इस तरह से इंडिकेशन होती है भाई कम्युनिज्म की शुरुआत हो चुकी है। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी टू कम टूगेदर एंड गेट एक्नॉलेज फॉर देयर डिमांड्स। अब सबके लिए
कोई डिमांड ही नहीं करेगा क्योंकि सब एक साथ ही नहीं है ना, अपने राइट्स ही नहीं मांगेंगे, सब तो अलग अलग लड़ रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करेंगे, तो उनको सब बस क्रिटिसाइज ही करते रहो एक दूसरे को। अफेनाटिज्म मेक्स द परस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इवेंट्स एंड पीपल प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का माने एक अपनी एक मानसिकता के साथ जिए जा रहे हैं, स्टीरियोटाइप थिंकिंग। सम पीपल बिगिन टू थिंक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस ऑल्सो इन द फर्क ऑफ देयर ओन रिलीजन। अब बाकी लोग क्या, वो अपने ही इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चन करेंगे अपने ही रिलीजन के लोगों के लिए, अपने रिलीजन के बारे में, बाकी मतलब से मतलब नहीं उनका, बस अपना रिलीजन, अपना पेट भरो, अपने घर का पेट भरो, बाकी देश से और दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो एक मतलब सेल्फिश नेचर हो जाता है, बस मेरे धर्म के लोगों का भला हो, बाकी धर्म के लोगों का भला हो या ना हो, उससे मुझे कोई, देश की फीलिंग चले जाती है। आप जावत को समझ रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं। सम पीपल बिगिन टू थिंक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस एज इन द फ्रेमवर्क ऑफ देयर ओन रिलीजन। सम पीपल द ऑल रिलीजंस थिंक दैट सिंस दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन दे हैव नो इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। अब कई लोग ये भी सोचते हैं यार, हम एक ही रिलीजन में है, अलग रिलीजन में है, लेकिन हमारा इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हम एक साथ वोट देंगे, हमारी पार्टियां बात सुनेंगी। दे बिगिन टू बिलीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड अनजस्टली। उनको लगता है यार हमारा तो ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। दे होल्ड द आइडिया दैट गवर्नमेंट इज पार्शली सॉरी पार्शल अगेंस्ट देयर रिलीजन। और उनको लगता है नहीं यार, गवर्नमेंट हमारे धर्म के खिलाफ है, अब तो मतलब हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, अब तो हम ये कर देंगे, आग लगा देंगे। मेरा शुरू हो गया दिमाग में ये धर्म वाला, जहाँ पे वो लग जाता है ना, पीके देखी होगी आपने, वहीं से प्रॉब्लम शुरू। सब इंसान एक है, हड्डी मांस के बने हैं, सबको ऊपर वाले ने बनाया है, सबको एक दिन जाना है। हम ऊपर वाले के लिए झगड़ा कर रहे हैं और ऊपर वाला तो एक ही है, चाहे उसे अल्लाह कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे जीसस क्राइस्ट कहो, हम सब एक ही हैं, तो क्यों लड़ते हैं। लेकिन पागलपन चल रहा है दुनिया में, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, कुछ लोग भरते हैं और कुछ लोग बह जाते हैं। हाँ भैया ठीक है, लीडर जी ने कहा लड़ेंगे हम तो। दे होल्ड दिस आइडिया कि गवर्नमेंट तो हमारे खिलाफ है, हमारे रिलीजन के खिलाफ है। इन सच ए कंडीशन दे बिकम टू सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं अबाउट द रिलीजन एंड देयर को रिलीजियस लिस्ट, और जो भी साथ में बराबर में उनके जो दूसरे रिलीजन वाले उनके अगेंस्ट या उनके साथ में जो भी है। इफ एनीबॉडी स्पीक्स अबाउट द पीपल ऑफ द रिलीजन आर इंसल्ट द रिलीजियस सिंबल नोइंगली और अनोइंगली राइट्स ब्रेक आउट। किसी ने किसी रिलीजन के बारे में कुछ कह दिया, कुछ बुरा लग गया, या उसके सिंबल की डिसरेस्पेक्ट हो गई अनजाने जाने में, जाने अनजाने में, बस राइट्स राइट्स में दंगे शुरू हो गए बिना किसी कुछ सोचे हुए। बस तलवारें निकालो, हथियार निकालो, मारो एक दूसरे को, भले छोटा बच्चा आ जाए, भले कोई ओल्ड लेडी है 70 साल का बूढ़ा, लगे पड़े लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, सब वैसे ही जानवर हो जाते हैं बिल्कुल राइट सपोर्ट। क्या होके रहता है लोगों को, पागल धर्म का चश्मा चढ़ जाता है ना, पागलपन हो जाता है। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर किल्ड, 100,000s मरते हैं, दोष लोग मरते हैं, प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज इज डैमेज, नॉट वर्थ करोड़, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जला देते हैं लोग। पब्लिक पीस इज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड सब डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द बिटर मेमोरीज ऑफ द राइट्स। पीपल आर एस्ट्रेंज फ्रॉम ईच अदर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव अ सेटबैक। म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो जाती है, एक दूसरे लोग भरोसा नहीं करते हैं, एक बार दंगे हो गए, मैंने वो तुम्हारा इलाका, ये मेरा इलाका है, तुम्हारे लोग मेरे इलाके में नहीं रहेंगे, मेरे लोग तुम्हारे इलाके में सेफ नहीं है, बस फिर कभी ट्रस्ट आएगा नहीं, सदियों तक नहीं आएगा। फिर पुलिस आएगी, पुलिस कर्फ्यू लगाएगी, फायरिंग करेगी, दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, तो हो जाता है। कुछ लोग जहर बोल के चले जाते हैं, जहर के बीज बोल के, और बाद में लीडर नहीं मरते हैं, फॉलोवर ही मरते हैं। मैं बता दूं, जितने लोग आग लगा के जाते हैं उनका कुछ नहीं होता, वो तो सब बनते हैं एमपी, एमएलए और मंत्री तक बनते हैं, चाहे किधर के भी हों। जो गरीबों की बात करता है देश में वो अमीर आदमी हो जाता है। और मरता कौन है, लीडर नहीं मरता, और मरते हैं फॉलोवर, लगे मरे जा रहे हैं, लीडर जी का भला हो रहा है, पॉपुलरिटी बढ़ रही है, जीत जाएंगे, बन जाएंगे एम पी एमएलए। तो पॉलिटिशियन है जो दंगे कराते हैं, सारे नहीं लेकिन है ऐसे लोग। तो जो ट्रस्ट है लोगों में एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, द ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज द बेसिस ऑफ कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस तभी हो पाएगा, हम एक साथ तभी रह पाएंगे, हमारे बीच में ट्रस्ट होगी। ट्रस्ट ब्रेक सोशल यूनिटी रिसीव ब्लो, और हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव विदाउट अ सोशल यूनिटी। तो नेशनल यूनिटी तो तभी होगी जब सोशल यूनिटी होगी, ठीक है। आज हम लोगों ने यहाँ तक किया है, इसको थोड़ा और अभी देखते हैं और समझते हैं।
हम लोग बात कर रहे हैं सोशल ट्रस्ट की। सोशल यूनिटी तभी होगी जब ट्रस्ट होगा, तो समाज के सभी कम्युनिटी के लोग, सभी रिलीजन के लोग जो उस देश में रहते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, ट्रस्ट करें, तभी तो यूनिटी आएगी। बात करने से यूनिटी नहीं आएगी, रेस्पेक्ट और ट्रस्ट करने पर यूनिटी आती है। और ये कम्युनिज्म जो है, ये कब होगा? जब ना तो यूनिटी होगी, ना ट्रस्ट होगा, ना रेस्पेक्ट होगी, तो हो जाएगी लड़ाई। तो ये अच्छी चीज नहीं है देश के लिए। फिर अगली बात है रीजनलिज्म। अब रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म का मतलब है कि भाई मैं हूँ बंगाली और मेरा है अपना प्राइड। सपोज करो मेरा नाम है, मैं रहूंगी तो वही बंगाली हूँ। अब एक अपना अलग सुपरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, मैं बहुत बड़ा बंगाली हूँ, या मैं मराठी हूँ, या मैं गुजराती छे, या मैं हरियाणवी हूँ, राजस्थानी, मतलब अपना एक रीजन का। और हरियाणा में भी, अरे मैं तो हिसार वाला हूँ, अरे मैं तो भिवानी वाला हूँ, या महाराष्ट्र में भी, अरे मैं तो बारामती वाला हूँ यार, मैं तो पुणे वाला हूँ, अब मैं मुंबई, आमची मुंबई, है ना, लाइक ऐसा बोलते ना, आमची मुंबई। तो ये मतलब ये जो रीजनलिज्म है, ये पूरे स्टेट का भी हो सकता है, एक अपना एक प्राइड। लेकिन जब वो प्राइड एक तरह से घमंड में हो जाता है, एक गर्व करना अलग चीज है ना, गर्व करो मैं गुजराती हूँ, गर्व करो मैं मराठी हूँ, गर्व करो मैं यूपी का हूँ, गर्व करो मैं बिहार का हूँ। लेकिन हम जब गर्व करने के साथ साथ दूसरे को नीचा देखने लगते हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। आप गर्व करो, आप अच्छे हो, लेकिन दूसरे को आप अपने से नीचा मत समझो, उसको बराबरी का दर्जा दो। तो चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे बंगाली, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, सब एक ही है, सब इक्वल स्टेटस है, सबको एक ही वोटिंग राइट है, सबको एक ही तरह की सुविधाएं हैं, सबको वही फंडामेंटल राइट्स हैं। मर्डर करेगा तो वही सजा है, सारा आईपीसी की धाराएं सारी एक ही हैं। माने पूरे देश में एक ही तंत्र से रूल होता है, किसी के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है कि भाई वो बंगाली हैं, या वो केरला वाले हैं, या वो तमिलनाडु वाले हैं, तमिल हैं तो तेलुगु हैं, उनके लिए स्पेशल होगा। सबके लिए कानून एक है, सबके लिए संविधान एक है, सबके लिए विधान एक है ना। पूरे देश के आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो, कहीं भी जाके पढ़ सकते हो। कितने लोग पुणे आके पढ़ते हैं, कितने लोग पुणे से दिल्ली जाके पढ़ते हैं, कितने लोग मुंबई, ये सब होता रहता है। ये इट्स इंटरनल, क्या है, इट्स अ इंटरनल मूवमेंट। अब इंटरनल अपने देश में मूवमेंट करने की आजादी नहीं होगी, तब तो फिर हो गया बंटाधार। तो देश में सभी धर्मों के सभी बासिंदों को अपने देश में आजादी है घूमने फिरने की, काम करने की और पढ़ने लिखने की। तो फिर ये प्राइड करो, ठीक है प्राइड करो, लेकिन प्राइड करो लेकिन दूसरे को इंसल्ट मत करो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म का मतलब है मीन्स हैविंग एक्सेसिव एक्सेसिव प्राइड। एक्सेसिव प्राइड माने कुछ ज्यादा ही प्राइड हो गया। अबाउट वंस रीजन, भाई मेरा ये इलाका, मेरा क्षेत्र है, मैं बारामती वाला हूँ, नहीं तो मैं तो ये कौन सा जेजुरी का हूँ, नहीं तो मैं तो उधर खानदेश का हूँ, नहीं मैं तो यार इधर का चंद्रपुर की तरफ का हूँ, मैं तो सतारा वाला, मैं तो कोल्हापुर वाला। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपस में ही हम इतना ज्यादा अपने अंदर एक्सेसिव प्राइड लाएंगे, प्राइड होना चाहिए लेकिन एक्सेसिव प्राइड गलत है, क्योंकि एक्सेसिव प्राइड माने कि अपने दूसरे को बेवकूफ समझ लिया, उसको इज्जत नहीं दी, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी और उसको इंसल्ट किया, तो फिर गलत हो गया। इट इज अ वन थिंग टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज बंगाली और मराठी पर्सन, देर इज नो, यू नो, देर इज नो हार्म इन इट, इट्स ओके, दे कैन टेल आई एम मराठी, आई एम बंगाली, देर इज नो ऑब्जेक्शन। बट इफ आई थिंक दैट बिकॉज आई एम बंगाली और मराठी आई एम सुपीरियर टू अदर्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, इट कैन बी टर्म एन एक्सेसिव रीजनल प्रैक्टिस, रीजनल प्राइड। द लव फॉर वंस प्रोविंस टर्न्स मॉर्बिड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एक्सेसिव रीजनल प्राइड। इट्स नेचुरल टू फील लव फॉर द वंस प्रोविंस बट इट शुड नॉट बिकम अबनॉर्मल। ये नेचुरल है यार, कि जैसे मैं अपने इलाके का हूँ, यूपी का, मुझे अपने इलाके में अच्छा लगता है, मैं गर्व करता हूँ उस इलाके का, उस इलाके का खान पान वो मेरे लिए दुनिया में सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं कहूँ नहीं, मेरे लिए बेस्ट है वो, दुनिया सबके लिए बेस्ट होना चाहिए। नहीं, दूसरा कोई कह रहा नहीं, मुझे अपना पुणे अच्छा लगता है, मुझे अपना कोलकाता अच्छा लगता है, मुझे पटना अच्छा लगता है, तो क्या मैं उससे लड़ूंगी? नहीं, तुम्हारा पटना बेकार है, तुम्हारा कोलकाता बेकार है, तुम्हारा पुणे बेकार है, मेरा लखनऊ सबसे बेस्ट है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, मेरे लिए मेरा लखनऊ बेस्ट है, कोलकाता वाले के लिए उसका कोलकाता बेस्ट है, पुणे वाले के लिए उसका पुणे बेस्ट है,
अब आपको समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो जब हम एक्सेसिव प्राइड लेते हैं और कुछ ज्यादा ही मतलब अटैच हो जाते हैं और दूसरे को मतलब मेरे लिए बेस्ट चले गए कि सबके लिए बेस्ट हो जाए, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर उसमें क्या दूसरे को खराब लगेगा और उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। अभी तो रीजनल पॉलिटिक्स हो रही है, रीजनलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, कहीं आसाम में कुछ झगड़ा हो रहा है आपस में लोकल लोगों का जो बाहर से आके काम कर रहे हैं। अरे गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, बैंक के एम्प्लाई हैं, पोस्ट ऑफिस, दुनिया भर की गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वो सब इधर उधर काम करते हैं। तुम्हारी जो ट्रेन लेके आता है कहीं इधर से महाराष्ट्र में कहीं से, वो कितने स्टेट को, वो हरियाणा का है, वो कहाँ से ट्रेन यूपी से लेके महाराष्ट्र लेके आ रहा है। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर देश की तो फीलिंग खत्म हो जाएगी। जाने कितने काम हैं जो गुजरात महाराष्ट्र आपस में सब स्टेट के बीच में होते हैं, उनसे प्याज आता है, उनसे गेहूं आता है, उनसे आलू आता है, सब एक दूसरे को व्यापार होता है। तो ट्रेड और कॉमर्स तो रुक जाएगा अगर हम ऐसी मानसिकता से काम करेंगे, मैं मेरे लोग, ये तो गलत हो जाएगा। हम हमारा देश हमारे लोग, अब सही है ठीक है। तो जो रीजनल आइडेंटिटी है हमें उसको उसके ऊपर उठ के सोचना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी पे कम से कम हमें सोचना चाहिए तो सब ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली। अब ये जो स्टेट है थोड़ा ज्यादा डेवलप हो गए देश में, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, लेकिन कुछ ऐसा स्टेट है जो डेवलप नहीं हो पाए, उड़ीसा, बिहार, आसाम रिमेन अनडेवलप। अब उनके लोग अगर इधर उधर आके काम करेंगे क्योंकि उनके प्रदेशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, कुछ प्रॉब्लम्स रही, लोकल फैक्टर रहे, पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा मेन है, जो पॉलिटिशियन अच्छे नहीं रहे और जो इन्वेस्टमेंट था वो ज्यादा अच्छा नहीं आया, तो इस वजह से वो लोग घूमते हैं इधर उधर काम करते हैं। अब उनको हम परेशान करें, तुम बिहार वाले हो, तुम उड़ीसा वाले हो, तुम आसाम वाले हो, तो गलत बात है। वो भी देश के नागरिक है, उनके इलाके अगर डेवलप हो जाएंगे तो भी अच्छा है, तो वो नहीं जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की भी, लेकिन लोगों को भी एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। वी शुड से नो टू द हेट पॉलिटिक्स, वी शुड से द यस टू द लव एंड पीस एंड हार्मोनी। तो हमें लव और पीस को बढ़ाना है आपस में, अपने भाई, वी आर ब्रदर्स, चाहे बिहार का हो, चाहे आसाम का हो, चाहे उड़िया हो, चाहे गुजराती हो, चाहे हम सब पहले भाई और एक ही सभ्यता से चले हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता से सब निकले हैं, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, या हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, क्लास सिक्स में पढ़ाया गया होगा। तो भी यार हम आपस में नहीं, यार हम तो अलग अलग हैं, अलग नहीं हम एक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस, यानी आर्थिक विकास और सुधार, यही तो उसका बेस है प्रोग्रेस का। एज अ रिजल्ट द स्टेट दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन आल्सो अचीव प्रोग्रेस इन अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। अब जो स्टेट डेवलप हो गया उसके तीन और स्टेट डेवलप होंगी, क्या? एजुकेशन, हेल्थ और कल्चर। अब जो स्टेट डेवलप नहीं हुआ उसके अभी क्या होगा? एजुकेशन पीछे, सिविक कम्युनिटीज पीछे, और जो डेवलप उसके हेल्थ, कल्चर और एजुकेशन बढ़ेगा। The opportunities of development available to the people in developed states are not possible for people in backward states. अब जो opportunities हैं development की available to people in developed state, वो किसके लिए हैं? ज्यादातर जहाँ पे development है। अब जो state पीछे रह गए, वहां investment जा ही नहीं रहा, वहां factory लगी नहीं रही, अब problem क्या हो गया? Race में जो शुरू में आगे निकल गया वही आगे चलने लगा, और जो थोड़ा पीछे रह गए अब वो पीछे ही हैं, उनके पास उधर कंपनी जा नहीं रही है उस इलाके में, तो फिर प्रॉब्लम क्या? वो पीछे होते चले जा रहे हैं। तो हमें देश की सरकार को सबको साथ लेके चलना है, सब थोड़ा थोड़ा उठाना है, ताकि एक पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा ना उनको लगे कि यार सारी दुनिया हमारे स्टेट में चली जा रही है। तो हमें और भी स्टेट को डेवलप करना है, हमें पूरे देश को डेवलप करना है। जब पूरा देश डेवलप हो जाएगा तो माइग्रेशन थोड़ा कम होगा, जो इंटरनल मूवमेंट होता है वो थोड़ा कम होगा और वो अच्छी बात होगी। लेकिन हमें कम से कम एक दूसरे से नफरत नहीं, मोहब्बत करनी चाहिए। फर्स्ट वी आर इंडियंस, देन सेकेंडरी आइडेंटिटीज आर डिफरेंट लाइक स्टेट, रिलीजन, बाकी सारी आइडेंटिटीज हमारी सेकेंडरी हैं। जितनी भी आइडेंटिटीज है, पहली आइडेंटिटी वी आर इंडियन, वी आर ब्रदर्स, उसके बाद की आइडेंटिटी बाकी सब बात की। तो रिजनलिज्म अच्छा नहीं है, कम्युनिज्म अच्छा नहीं है, पहले मैंने उनके बात की, हमने बात की नेशनलाइज मूवमेंट अच्छा नहीं है, फिर हमने क्या बात की? कम्युनिज्म अच्छा नहीं है, फिर हमने क्या बात की? रीजनलिज्म अच्छा नहीं है, तो हमें इसको रोकना होगा।
ठीक है, अब आगे देखिए और क्या बताते हैं। दे बिगेन टू थिंक दैट दे आर बीइंग चीटेड। कौन कह रहा है चीटेड? अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। दे आर हैरेस बाई प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। अब जो बैकवर्ड स्टेट हो गया जिसमें डेवलपमेंट नहीं पहुंचा शुरू में, अब वो और पीछे हो गया, बाकी स्टेट आगे निकल गए। उसको लगता है उसके साथ चीट हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ज्यादा पैसा दिया, वहां ज्यादा फैक्ट्री लगवाई, हमारे लिए कुछ किया नहीं। तो उसको क्या होगा? वो दे आर हैरेस बाई प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। दे बिगिन टू थिंक दैट दे आर बीइंग चीटेड, दे आर बीइंग कैप्ट अवे फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। बिकॉज ऑफ दिस द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टेट्स इज ब्रोकन। दिस इज टर्न दैट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द नेशनल यूनिटी, इकोनॉमिक इंबैलेंस दैट हैज एंडेंजर्ड। दिस अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी सेट राइट और गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। अब जहाँ पे विकास नहीं, जहाँ के लोगों को क्या फील हो रहा, यार हम तो पीछे रह गए, हम एजुकेशन भी नहीं पीछे, हमारे पास सुविधाएं भी नहीं, बाकी स्टेट आगे निकल गए। तो उनको क्या आएगा, उनके अंदर एक हीन भावना आएगी। हीन भावना आएगी तो देश के लिए जो प्यार और मोहब्बत है वो क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है कि हमारे लोग हमसे नाराज हो जाए, ठीक है। तो रिजनलिज्म अच्छी बात नहीं है और हमें इसको धीरे धीरे रोकना होगा। इट अफेक्ट डेवलप एज वेल एज अनडेवलप स्टेट। तो ये डेवलप को भी प्रभावित करता है और अनडेवलप स्टेट को भी प्रभावित करता है। कैसे? द पीपल ऑफ डेवलप स्टेट्स बिगिन टू बिलीव दैट दे आर सुपीरियर। उनको लगता है अरे भैया हम तो बहुत ऊंचे हैं, हम तो हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात में रहते हैं। तो उनके अंदर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, वो भी गलत है। ड्यू टू देयर सुपीरियर हिस्ट्री एंड कल्चर एनहेंस दे हैव डेवलप्ड दैट मच। अब जो स्टेट पीछे रह गए, कल्चर उनके पास है, हिस्ट्री उनके पास भी है, लेकिन अब क्या होता था, मैं आपको बताऊँ सीधी सीधी बात, कि जिस स्टेट में जो पार्टी की सरकार सेंट्रल में होती है, अगर वही पार्टी की सरकार स्टेट में होती है तब विकास ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सेम है। सपोज करो कांग्रेस की सरकार है एक स्टेट में और वही सरकार देश में भी है, तो उस देश का, उस प्रदेश का विकास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक ही सरकार है। लेकिन कभी यार क्या होता है कि ऐसे भी केसेस हैं, इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रूथ बट लेकिन इट इज वन ऑफ द फैक्टर। तो राजस्थान में देखिए हमेशा वो लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो सरकार सेंट्रल में है उसी को स्टेट में जीता है। तो कई बार क्या सेंट्रल में अलग सरकार है पार्टी की और यहाँ स्टेट में अलग, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वो फंड रिलीज नहीं करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। कई सारे रीजन है, उनमें से ये भी एक रीजन है। ऑन द अदर हैंड द पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज नीड टू अराउज देयर रीजनल आइडेंटिटी टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। फॉर दिस दे ट्राई टू अनसेंसली ग्लोरीफाई लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर टू प्रूव देयर यूनिकनेस। ये सारी बातें हैं। अब इसके साथ चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है दे आर सेवरल प्रॉब्लम्स। ओवर पॉपुलेशन हो रही है, क्लीननेस नहीं है, आबादी रोकनी होगी बहुत बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया सफाई के लिए। एग्रीकल्चर और उसकी प्रॉब्लम, फार्मर्स का गरीबी, हाउसिंग, भूख, खाना, ये सारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम फ्रॉम दीज ऑल दीज प्रॉब्लम्स। वी आर प्रोग्रेसिव स्टेडिली। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन बहुत तेज रफ्तार नहीं है। इन द नेक्स्ट चैप्टर विल से लर्न अबाउट द प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक फील्ड। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। और ये हमारे कंट्री का मैप है, स्टेट बाउंड्रीज हैं और ये स्टेट्स के नाम हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। अब जिस स्टेट का इंटरनेशनल बाउंड्री ज़्यादा है वहाँ पे व्यापार ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे गुजरात का क्या है, उसका ट्रेड का पूरा हिस्ट्री रहा है और उसके पास कोस्टल लेक पे है, तो वहाँ पे सारे शिप वगैरह आते हैं, तो ट्रेड कॉमर्स ज़्यादा डेवलप है गुजरात में। यही चीज़ महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा है, जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ में डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। विदर्भ और जो नॉर्थ नॉर्थ महाराष्ट्र का इलाका है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में भी हो सकता है कि कुछ पार्ट तो ज़्यादा डेवलप है, मुंबई, पुणे, ठाणे, ये सब, लेकिन हो सकता है कि कुछ पार्ट ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो जो ईस्ट महाराष्ट्र है जिसको विदर्भ कहते हैं, वहाँ सूखा रहता है, वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं है। और वही चीज़ कि कौन पॉलिटिशियन रहे हैं वहाँ पे, किन्होंने क्या काम किया, तो सब पॉलिटिक्स की वजह से है। तो लोकलों की थोड़ी गलती है यार उसमें, कोई सब का पॉलिटिकल विल पावर के ऊपर होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्से बहुत डेवलप हैं, कुछ हिस्से नहीं डेवलप हैं, कुछ मीडियम है। कर्नाटक डेवलप है, गोवा काफ़ी डेवलप है, छोटा स्टेट है, केरला भी डेवलप, तमिलनाडु डेवलप है, आंध्र प्रदेश को भी एडवांटेज है उसकी कोस्टल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री का। उड़ीसा में डेवलपमेंट जब किसके पास कोस्टल बाउंड्री है, लेकिन उतना ट्रेड कॉमर्स उसका साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ नहीं हो रहा। जबकि बंगाल में आबादी बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है उनके पास, लेकिन आबादी इतनी हो गई है कि कोस्टल बाउंड्री होने के बावजूद उनका डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू अदर स्टेट इतना अच्छा नहीं है। बिहार झारखंड सब पता है कि एक बहुत बड़ा स्टेट था एक जमाने में बिहार, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तीनों एक साथ आते थे, तो वहाँ डेवलपमेंट काफ़ी पीछे छूटा क्योंकि पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिशियन रहे जिन्होंने कुछ नहीं किया, बस बैठ के कुर्सी तोड़ते रहे। तो ये चैप्टर हो गया है खत्म, आपको करना है क्वेश्चन आंसर। तो आज हमने खत्म कर लिया चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपका।